इस वीडियो में बात करेंगे एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स के बारे में। एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर की एवोल्यूशनरी चेंजेस को समझने पर फोकस करती है। इसमें इकोनॉमिक बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजीज का एवोल्यूशन और इनका इम्पैक्ट देखा जाता है। ये फील्ड बायोलॉजिकली एवोल्यूशन के कंसेप्ट को इकोनॉमिक थ्योरी और एनालिसिस में अप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में देखा जाए तो एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स देखती है कि कैसे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं और पुरानी टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के स्मार्टफोन्स ने ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स को रिप्लेस कर दिया है। बिजनेस एवोल्यूशन को देखें तो कैसे बिजनेसेस इवॉल्व होते हैं और मार्केट कंडीशंस के मुताबिक अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन रिटेल जेंट्स जैसे अमेजोन ने ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स पर किस तरह से असर डाला है, और कंज्यूमर प्रेफरेंस को भी देखा जाए तो कैसे कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस वक्त के साथ चेंज होती है और इन प्रेफरेंस का मार्केट पर क्या असर होता है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स का ऑर्गेनिक फूड्स को प्रेफर करना। सो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो इसकी अहमियत बहुत सारी फील्ड्स में है। लाइक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक चेंज में देखें तो एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक चेंज के डायनेमिक प्रोसेस को समझने में हेल्प करती है। इसे हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व होती हैं और क्यों होती हैं। इसी तरह इनोवेशन एंड ग्रोथ में देखें तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेहतरीन तरीके समझने के लिए ये फील्ड बहुत ज़रूरी है। ये देखती है कि नए आइडियाज़ और इनोवेशन किस तरह से इकोनॉमिक को ग्रो करने में हेल्प करती है। पॉलिसी डेवलपमेंट में देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स इनसाइट प्रोवाइड करती है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ यूजेस की, तो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में अगर देखें तो गवर्नमेंट एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए पॉलिसीज बनाती है जो इनोवेशन, कंपटीशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सचेंज करती हैं। फॉर एग्जांपल, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह। इसी तरह बिजनेस स्ट्रेटजी में देखें तो कंपनीज एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स को अपनी लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाने में यूज़ करती हैं। ये उन्हें मार्केट ट्रेंड और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के मुताबिक अपने ऑपरेशंस को अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह इनोवेशन मैनेजमेंट है तो बिजनेसेस अपनी इनोवेशन प्रोसेस को बेटर मैनेज करने के लिए एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। इसे उन्हें मार्केट में नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने में हेल्प होती है, आसानी होती है। इकोनॉमिक रिसर्च में देखें, रिसर्चर्स एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं इकोनॉमिक फिनोमेना की एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए। ये स्टडीज इकोनॉमिक थ्योरी और पॉलिसी मेकिंग को इन्हेंस करती है। सो एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स एक अहम फील्ड है जो इकोनॉमिक चेंज और डेवलपमेंट को समझने में बहुत ही हेल्प करती है। ये फील्ड इनोवेशन, ग्रोथ एंड अडेप्टबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है। आई होप सो आपको एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।